नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी चल रही है और इसी बीच शहर में कई समाजसेवी चेहरे सामने आए हैं, लेकिन हम आपको ऐसे चेहरों से मिलवाएंगे जिन्होंने 22 तारीख को जिस दिन जनता कर्फ्यू लगा था उसी दिन ये सोच लिया था कि गरीब लोग जो भी अपना काम नहीं कर पाएंगे, जो अपने घरों में रहेंगे और जो रोज मजदूरी करते थे जिससे उनका गुजारा होता था, उन लोगों के लिए आज हम जिस चेहरे को आपसे मिलाएंगे वो मसीहा बनकर सामने आया है। और इस व्यक्ति और इनके पिता ने अपना पूरा समय, जब से जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन हुआ है पूरे देश में, तब से अभी तक अपना पूरा समय गरीब लोगों को समर्पित कर दिया है। भगवान महावीर स्वामी के 2619वीं जन्म जयंती महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में महावीर जनालय ट्रस्ट शिवपुरी में महावीर जयंती इस बार इस तरह से मनाने का संकल्प लिया। हमारी टीम का एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय है कि कोई भी भूखा ना रहे। यह कार्य को हमको करते करते आज लगातार 17 दिन हो गए हैं और 17 दिन से हमारी सेवा निरंतर लगातार निरंतर अनवरत रूप से जारी है। हमारी टीम के सदस्यों द्वारा सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक गुना चुंगी नाके पॉइंट पर निःशुल्क भोजन का वितरण, हलवा पूड़ी सब्जी या कभी कभी पुलाव पूड़ी सब्जी का वितरण रोज किया जाता है। कुछ ऐसे परिवार चिन्हित किए जाते हैं जिनको सूखे राशन का वितरण, जिसमें 5 किलो आटा, 2 किलो सब्जी, 1 किलो दाल, 1 किलो चावल, सरफ, साबुन, शैम्पू और मसाले पूरे उसका वितरण हमारी टीम के द्वारा निरंतर रूप से किया जाता है। हम लोग जितने भी यहाँ से हमारी जो लेबर निकली आपके